दोस्तों आज हम बात करेंगे क्वालकॉम के नए स्नैपड्रैगन 7 प्लस जनरेशन 2 अपर मिड रेंज चिपसेट के बारे में। और हाँ, आपने सही सुना, स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 1 नहीं था और ना ही स्नैपड्रैगन 7 जेन 2 था। स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 सिर्फ कुछ ही डिवाइसेस में अवेलेबल था, लेकिन अब शायद सब कुछ बदल जाएगा। स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 2 सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स के साथ आता है। मैं क्रायो सीपीयू कोर 2.91 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड है और पूरा 1 प्लस 3 प्लस 4 सीपीयू पैकेज एसडी 7 जेन 1 के कंपैरिजन में 50% से ज्यादा परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। एडविनो जीपीयू की परफॉर्मेंस दूसरी तरफ 2x इंक्रीज किया गया है। एफिशिएंसी गेंस कुछ ज्यादा नहीं है, वेरियस सिनेरियोस में 13%। जैसे कि क्वालकॉम अनाउंसमेंट में आमतौर पर होता है, सीपीयू और जीपीयू पैकेज की डिटेल स्पेक्स नहीं है। अच्छी खबर यह है कि सिलिकॉन वाले डिवाइसेस इस मंथ से ही अवेलेबल होंगे, इसलिए हमें उन्हें जानने के लिए ज्यादा देर तक वेट नहीं करना पड़ेगा। अदर प्लेटफॉर्म फीचर्स में ऑटो वेरिएबल रेट सेटिंग शामिल है, जो फोरग्राउंड गेमिंग सीन्स को हाई रिजोल्यूशन में रेंडर करता है और बैकग्राउंड को लो रिजोल्यूशन में छोड़ता है। पावर और रिसोर्सेज बचाने के लिए वॉल्यूमेट्रिक रेंडरिंग भी ऑन बोर्ड है, जो स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 प्लेटफॉर्म के साथ डेब्यू किया गया था।